ग्रैंड फिनाले में एक कदम पीछे रह गई रश्मि देसाई। या ये जानते हैं कि ठीक ग्रैंड फिनाले के समय क्यों मेकर्स ने दिखाया रश्मि को बाहर का रास्ता। आखिरकार कैसे हुआ रश्मि देसाई का एलिमिनेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। दोस्तों, बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले चल रहा है और इस मौके पे टोटल 6 कंटेस्टेंट्स घर के अंदर थे, लेकिन अब बस 5 ही कंटेस्टेंट्स रह गए हैं। जी हाँ, अभी रिसेंटली रश्मि देसाई का इविक्शन हुआ है, जहां पर रश्मि देसाई को जो है बिग बॉस 15 हाउस में जो है ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले निकाला गया है। टोटल 6 कंटेस्टेंट्स है, अब 5 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं, शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा, इसके अलावा तेजस्वी प्रकाश, प्रतीक शेजपाल और निशांत भट्ट। रश्मि देसाई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर घर में आई थी और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स में के इकलौती कंटेस्टेंट वो बची हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली जनता द्वारा कम वोट मिलने की वजह से रश्मि को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। रश्मि देसाई के जो फैंस है लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं कि रश्मि शो में काफी अच्छा कर रही थी, उन्हें अभी इविक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेकर्स ने जो है जानबूझकर इविक्शन किया है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वोटिंग ट्रेंड भी बताया था कि निशांत को जो है रश्मि से कम वोट मिले हैं, जहां पे निशांत को 2% वोट मिले थे और रश्मि को 6% वोट मिले थे, लेकिन फिर भी रश्मि को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। इवन आई फील दैट कि रश्मि को जो है इतने जल्दी बाहर नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि जनता उन्हें पसंद कर रही थी, वो काफी ज्यादा एंटरटेन कर रही थी। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मामले में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रश्मि का इविक्शन फेयर था या फिर नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि बिग बॉस की सारी छोटी बड़ी अपडेट्स जो है आप तक पहुंचती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।